Hello everyone, today I'm making a very special pan, that is chocolate pan. इसमें मैंने यूज किया है एक यूनिक एंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट. टू नो दैट प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो. इस चॉकलेट पान बनाने के लिए हमें चाहिए बड़े पान पत्ते, इसको बंगाल या कोलकाता पान बोलते हैं, और टूटी फ्रूटी रेड एंड ग्रीन केक स्प्रिंकल्स या कन्फेटी, लॉन्ग, ये है सिल्वर इलायची के दाने, ये स्वीट्स के दुकान में इजीली मिल जाएगा, छोटे सौफ और रेड चेरीज, गुलकंद, डेसिकेटेड कोकोनट, मैंने लिया है डार्क चॉकलेट चिप्स और मैंने लिया है डार्क चॉकलेट. इसके जगह आप कॉम्पाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, हेजलनट स्प्रेड, टूथपिक्स पान को लॉक करने के लिए, एंड दिस इज द स्पेशल इंग्रेडिएंट आई एम यूजिंग. मिंट की जगह मैं यूज करूंगी एडिबल कैम्फर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने लिया है दो फ्रेश पान पत्ते. मैं यहाँ बना रही हूँ दो पान, इसलिए मैंने दो पान पत्ते ली है. इन दोनों को हम ऊपर से इवनली कट करेंगे. पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे हेजलनट स्प्रेड और उसके ऊपर हम लगाएंगे पत्तों के टुकड़े टू गिव द पान अ गुड बेस. और इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे हेजलनट स्प्रेड इवनली. इस पान को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा चॉकलेट और उसके साथ साथ टूटी फ्रूटी, कन्फेटी एंड चेरीज. इसको पार्टी में भी पार्टी स्नैक की तरह सर्व कर सकते हैं. द किड्स विल जस्ट लव इट. अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी, इसके साथ में एक चेरी. इसके बाद हम डालेंगे सौफ. नेक्स्ट इसमें जाएगा सिल्वर इलायची के दाने. मैं इसमें बस दो तीन दाने डालूंगी. नेक्स्ट इसमें डालेंगे केक स्प्रिंकलर्स या कन्फेटी. इसके साथ में हम डालेंगे चॉको चिप्स. अब हम इसमें डालेंगे गुलकंद, विच गिव्स द पान अ वेरी गुड फ्लेवर. पेपरमिंट के जगह मैं यहाँ डालूंगी एडिबल कैम्फर, वो भी एक पिंच. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक पेपरमिंट, एंड इवन अ पिंच ऑफ इट गिव्स सो मच फ्लेवर टू द पान. नाउ वी आर एडिंग डेसिकेटेड कोकोनट ऑन द टॉप. अब हम पान को अच्छे से फोल्ड करेंगे. इसमें टू कॉर्नर्स को फोल्ड करना है और तीसरी कॉर्नर के साथ इसको लॉक करना है. पान को फोल्ड करते टाइम पे पान खुल सकता है, इसलिए एक लॉन्ग का इस्तेमाल करके इसको हम अच्छे से लॉक करेंगे. पान इज वेरी गुड फॉर ओरल हेल्थ. इट कीप्स योर माउथ फ्रेश एंड प्रमोट्स गुड डाइजेशन टू. Now let's talk about the edible camphor that we are using in the place of peppermint. हम edible camphor को प्रसाद बनाने के लिए use करते हैं. इससे infections फैलते नहीं हैं. It is antibacterial and tastes just like peppermint. And now with the help of a toothpick, हम पान को बंद करेंगे. एडिबल कैम्फर को हम कम क्वांटिटी में भी यूज़ करना है. जैसे मैंने एक पिंच यूज़ किया था, वैसे ही प्रसाद में भी हम एक एक पिंच करके ही इसको डालते हैं. एक कटोरी में मैं लूँगी थोड़ा सा चॉकलेट और उसको मेल्ट करके रखूँगी, और पान को हम मेल्टेड चॉकलेट में डिप करेंगे और उसको सर्व करेंगे. आप इसके ऊपर आपकी मर्जी के टॉपिंग्स डाल सकते हैं. मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा स्प्रिंकल्स और डेसिकेटेड कोकोनट. एंड दैट्स इट, आवर चॉकलेट पान इज़ रेडी.
एंड इट्स अ पार्टी फ्रेंडली डिश। आप इस रेसिपी को ज़रूर आपके मेनू में ऐड कीजिए। आई एम श्योर एवरी वन विल लव इट एंड वॉन्ट टू हैव इट मोर एंड मोर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।